हेलो गाइस, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मोटर फिलर। आज अपन देखने वाले हैं भाई वोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग। जी हाँ गाइस, फाइनली इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग्स आ गई है। और जब गाड़ी अनवील करी गई थी तो भाई कहा गया था इसको जो है 65-75% जो है इंडिया मेड कर दिया गया है। तब सभी को लग रहा था क्या इसकी सेफ्टी में भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा, क्योंकि वोक्सवैगन और स्कोडा ऑलरेडी अपनी सेफ्टी के लिए फेमस थी, लेकिन इनकी जो है फर्स्ट प्रोडक्शन कार्स थी। तो यहाँ पे भाई इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट आए ना कि आप शॉक होने वाले। जी हाँ गाइस, एडल्ट सेफ्टी में 5-स्टार रेटेड और चाइल्ड सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटेड, और इसी के साथ बन गई भाई ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार, जो कि ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार दोनों ही चीज़ों में लेके आई है। और इस बार तो देखो भाई, ग्लोबल एनकैप ने भी जो अपनी नई असेंबली प्लांट करी थी, इसमें जो है एक्स्ट्रा टेस्ट भी हुए, जैसे पेडेस्ट्रियन टेस्ट, साइड पोल टेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी टेस्ट। इन सब के बाद भी भाई सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई इंडिया मेड करते क्या टाटा का स्टील लगा दिया गया? तो भाई एक चीज़ और अच्छी है कि भाई मार्केट में अब आपको जो है बहुत सारी सेफ कार्स देखने को मिलती है, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हो, चाहे वो मिड एसयूवी सेगमेंट हो। और यहाँ पे अगर आप जो है इसके नंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एडल्ट में 29.64 जो है लेके आई है भाई ये 34.00 से। तो भाई ये ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्ट भी दिखते हैं और पढ़ने भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर आप चाइल्ड सेफ्टी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है 42 मिले भैया इनको नंबर 49 में से, तो यहाँ भी बिल्कुल ही तबाही आपको जो है सेफ्टी देखने को मिलती है। और आप अगर इनका चार्ट देखते हैं कि कहाँ कैसी सेफ्टी मिलती है बॉडी में, तो सिर्फ ड्राइवर के जो है लेफ्ट लेग में थोड़ा सा भाई सेफ्टी आपको नहीं मिलती है, अदरवाइज सभी को भाई बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही तगड़ी सेफ्टी मिलने वाली है। सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है, सेम इंजन शेयर करती है, ड्राइविंग डायनामिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे आपको जो है सेम सेफ्टी रेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो पोल टेस्टिंग हुई है वहाँ पे जो है ऊपर के वेरियंट्स को यूज़ करा गया है, क्योंकि इसमें जो है साइड इम्पैक्ट टेस्ट करा जाता है, तो भाई वही गाड़ी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको जो साइड एयरबैग्स या 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है टॉप मॉडल यूज़ करा गया है। तो कैसा लगा वीडियो और आप कौन सी गाड़ी का जो है नेक्स्ट क्रैश टेस्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।